बंदर भाई, मुझे मेरी छड़ी दे दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। कभी नहीं, इस छड़ी के जादू से तो मैं पूरे जंगल में राज करूँगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। नन्ही परी चंटू के हाथ से अपनी जादुई छड़ी वापस लेने उड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ी, पर तभी चंटू ने नन्ही की छड़ी हवा में घुमाई, जिससे एक रोशनी की किरण निकलकर नन्ही के पंखों से टकराई और देखते ही देखते छड़ी के जादू से नन्ही परी के पंख ही गायब हो गए। इससे पहले कि नन्ही कुछ कर पाती, वो बिना पंख के नीचे गिर गई। ओह, मेरे पंख! चंटू, तुम बहुत गलत कर रहे हो। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी? अभी मजा चखाता हूँ। और फिर से जादुई छड़ी घुमाकर जादू किया, जिससे बेचारी रंग बिरंगी तितलियों के पंखों से रंग ही गायब हो गए। चंटू वहां से चला गया। नन्ही चंटू की तलाश में उसके पीछे चल पड़ी। इधर चंटू नन्ही परी की जादुई छड़ी लेकर जंगल में सबको परेशान करने लगा। छड़ी घुमाकर कभी वो हाथी के दांत गायब कर देता, कभी भेड़िए की पूंछ, तो कभी चिड़ियों के पंख। जंगल में सब उससे डरने लगे और अपनी समस्या लेकर जंगल के राजा शेर सिंह के पास गए और अपनी समस्या बताई। शेर सिंह, चंटू बंदर का कुछ करना होगा। चंटू के पास इतनी शक्तियाँ कहाँ से आ गई? उसके पास एक जादुई छड़ी है, जिससे वो बहुत ही ताकतवर हो गया है। तभी चंटू वहाँ आ जाता है और शेर सिंह को ललकारता है। शेर सिंह, आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ, तुम नहीं। एक बंदर होकर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि शेर सिंह को धमकी दे रहे हो, तुम्हें इसकी सजा अभी मिलेगी। शेर सिंह ने जैसे ही चंटू पर वार करने के लिए छलांग लगाई, चंटू ने जादुई छड़ी घुमाकर शेर सिंह को पत्थर का बना दिया। ये देख सब चंटू से डर गए। देख लिया, मेरी बात नहीं मानने का नतीजा, जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसका यही हाल होगा। आज से इस जंगल में मेरा राज चलेगा। बोलो चंटू महाराज की जय हो, जय हो। तभी नन्ही परी चंटू को खोजते हुए वहाँ आ गई और चंटू के हाथ में छड़ी देखकर बोली, चंटू, तुम मेरी छड़ी की जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देती हूँ, मुझे मेरी छड़ी लौटा दो। कभी नहीं, अब ये मेरी छड़ी है। चंटू छड़ी घुमाकर नन्ही परी की तरफ करता है, पर नन्ही बहुत फुर्तीली थी। वह छड़ी के वार से बच तो गई, पर उसका पैर फिसल गया और वो सामने के कुएं के अंदर जा गिरी। चंटू यह देख कुएं के पास गया। अब क्या करोगी? अब मैं तुम्हारा हाल फिर शेर सिंह की तरह ही करूँगा। अगर छड़ी की रोशनी मेरे ऊपर लग गई, तो मैं सच में पत्थर बन जाऊंगी। जल्दी कुछ करना होगा। इधर जैसे ही चंटू ने छड़ी घुमाकर जादुई रोशनी नन्ही परी की तरफ फेंकी, नन्ही बिना देर किए पानी के अंदर चली गई, जिससे रोशनी पानी से टकराकर वापस चंटू को ही लग गई और वो देखते ही देखते पत्थर का बन गया। ये! हाथी ने अपनी सूंड से नन्ही परी को कुएं से बाहर निकाला। नन्ही ने पत्थर बने चंटू के हाथ से अपनी छड़ी वापस ली और सबको छड़ी घुमाकर पहले की तरह ठीक कर दिया। और जैसे ही वो चंटू को ठीक करने गई, भेड़िए ने उसे रोक लिया। नहीं नन्ही परी, चंटू को ऐसे ही रहने दो, इसने सबको बहुत परेशान किया है। नहीं नहीं, मैं इस छड़ी का इस्तेमाल किसी को सजा देने के लिए नहीं कर सकती, ये सही नहीं होगा। सही कहा नन्ही।
कौआ आता है और रोटी का टुकड़ा उठा के चला जाता है। कालू कौए की चोच रोटी की जगह जमीन से टकराती है और वो दर्द से चिल्लाता है, आह, मेरी चोच! आज सब मेरी चोच के पीछे ही पड़े हैं। रोटी भी गई चोच से, अब तो भूखे ही रहना पड़ेगा। कालू कौआ फिर से खाने की खोज में उड़ता है। वो इधर उधर बहुत खोजता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी उसकी नाक में एक सुगंध आती है। अरे वाह, क्या खुशबू है! कालू जैसे ही आंख खोलता है सामने एक चीज का टुकड़ा गिरा हुआ देखता है। ये क्या है? कालू चीज को इधर उधर जंप कर करके सूंघता है। अरे वाह, ये तो चीज है, मेरा फेवरेट चीज। तो सुगंध इससे आ रही थी, आज तो मेरी पार्टी हो गई। कालू कौआ चीज के आसपास खुशी से डांस करने लगता है। पार्टी पार्टी चीज पार्टी, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। कालू कौआ चीज का टुकड़ा उठाता है और एक पेड़ में बैठ जाता है ताकि आराम से चीज खा सके। पर उसे चिढ़ाता है। क्या हुआ लोमड़ी भाई, तुम तो एक चूहे से हार गए, अगली बार और तैयारी करके आना। लोमड़ी चूहे को गुस्से वाला लुक देता है। चूहा उसे चिढ़ाते हुए अंदर चला जाता है। सोनी लोमड़ी दुखी हो गया क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वो दुखी होकर खाने की तलाश में आगे चलने लगा। तभी उसे कालू कौए की आवाज सुनाई दी और आवाज सुनकर वो इधर उधर देखता है। ये आवाज कैसी? लगता है खाने का इंतजाम हो गया, खाना कहीं आसपास ही है। सोनी लोमड़ी इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। तभी उसकी नाक में चीज की खुशबू पड़ती है। वाह, क्या सुगंध है! सुगंध इतनी अच्छी है तो खाना कितना स्वादिष्ट होगा, ये सोच सोच कर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। सोनी लोमड़ी सुगंध का पीछा करते करते उसी पेड़ के पास पहुँच जाता है जिसमे कालू कौआ अपनी चोच में चीज का टुकड़ा पकड़ के बैठा था। सोनी लोमड़ी की नजर कालू कौवे पर पड़ती है। वाव, चीज! ये चीज तो किसी भी तरह मुझे खाना ही होगा। इस कौवे के साथ चीज खाने का तो मजा ही कुछ और होगा, वरना मेरे मुंह से पानी टपकता रह जाएगा और कौवा चीज के चटकारे लेकर उड़ जाएगा। उससे पहले कुछ करना होगा। सोनी लोमड़ी चुपके से पेड़ के पीछे जाता है और जोर से जंप मार के पीछे से कालू को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन कालू तक पहुंच नहीं पाता और धड़ाम से नीचे गिरता है। चीज को पाने की सोनी लोमड़ी की कोशिश काम नहीं आई क्योंकि कालू कौआ बहुत ऊपर बैठा था। ये देख सोनी लोमड़ी चीज को खाने की कोई और तरकीब सोचने लगा। तभी उसे एक आइडिया आया। वो कालू के पास गया और उसकी तारीफों के पुल बांधने लगा। सोनी लोमड़ी पेड़ के सामने कालू के पास जाता है। कालू मेरे दोस्त, तो वो तुम हो? वही मुझे लगा कि इस जंगल में इतना सुरीला गाने वाला कौन है, और उस पेड़ पर बैठे तुम कितने जच रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे जंगल का राजा अपने ऊंचे सिंहासन में बैठा हो, और तुम्हारी आवाज तो गुड़ से भी मीठी है जिसे सुन मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। क्या मेरी आवाज? इस बात पे तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। कालू विजुलाइज करता है कि वो राजा के सिंहासन में क्राउन पहन के बैठा है और गाना गा रहा है और तालियों की आवाज आ रही है। अब सोच क्या रहे हो कालू, जल्दी से एक गाना सुनाकर मेरे कानों को तृप्त कर दो। अब मुझसे और इंतजार नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हारा गाना सुनकर पूरे जंगल वासियों को तुम्हारी इस अद्भुत कला के बारे में बताऊंगा। तुम ही हो इस जंगल की आन बान और शान, कालू महान। अब तो इसे गाना सुनाना ही पड़ेगा, तभी तो जंगल में मेरे इस कला का पता चलेगा। कालू चीज पकड़े हुए गुनगुनाने लगता है। सोनी लोमड़ी ये देख टेंशन में आ जाता है। ये तो चीज को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, कुछ तो करना होगा। ये क्या कर रहे हो कालू?
ऐसे मुंह बंद करके गुनगुनाने से क्या होगा? अरे तुम इतने महान गायक हो, गला खोल के गाओ ताकि बाकी जंगलवासी भी तुम्हारे संगीत का आनंद ले सकें। बात तो ये सही कह रहा है, पूरा जोर लगा के गाता हूँ, आखिर बाकी जानवर भी तो मेरी सुरीली आवाज सुने। और जैसे ही कालू ने गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला, उसके मुंह से चीज का टुकड़ा नीचे गिर गया, जिसे सोनी लोमड़ी ने उठाया और वहाँ से भाग गया। मेरा चीज, रुको, मेरा खाना वापस तो करो मुझे। अरे मेरा गाना तो सुन लो कम से कम। धन्यवाद मेरे दोस्त, अब तुम यहाँ बैठे बैठे अपने गाने की प्रैक्टिस करो, तब तक मैं इस स्वादिष्ट चीज का मजा लेता हूँ। वैसे अपना चीज देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय। सोनी लोमड़ी वहाँ से चला गया और कालू को समझ में आ गया कि सोनी ने उसकी तारीफों के झूठे पुल बांध के बड़ी चालाकी से उसे बेवकूफ बनाया उस चीज के टुकड़े के लिए। जंगल के पास एक किसान रहता था जो बहुत दयालु था। जंगल से कई बार जानवर उसकी झोपड़ी की तरफ आ जाते थे, लेकिन वो उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाता था, बल्कि उन्हें खाना और पानी देता था। पास के जंगल में बहुत सारे जानवर थे जो आपस में मिलजुल कर रहते थे। ये! तभी अचानक से जोर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। सब जानवर डर गए। लगता है शेर सिंह आ रहा है। और ये है शेर सिंह, जंगल का राजा। इसकी सभी जानवर बहुत इज्जत करते थे और डरते भी थे। सभी जानवर उसको देख के शांत हो गए और अप्पू के पीछे चल गए। बंदर तो इतना डर गया कि वो सीधे पेड़ पर ही चढ़ गया। महाराज जय हो। कैसे हो तुम लोग? जंगल में कोई तकलीफ तो नहीं? आपके होते हुए तकलीफ कैसी महाराज, आपकी कृपा से हम सब बहुत खुश हैं। हम तो बस अप्पू के साथ खेल रहे थे। बहुत बढ़िया। अप्पू, कहीं सब मिलकर तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं शेर सिंह, ये सब तो बहुत प्यारे हैं। शेर सिंह भी सबको खुशी खुशी खेलता देख बहुत खुश हुआ और वहाँ उन्हें छोड़कर आगे चला गया। ठीक है, तुम सब खेलो, मैं आगे से घूम कर आता हूँ। उसी दिन जंगल में कुछ खतरनाक शिकारी आए जानवरों का शिकार करने। आज तो कोई जानवर दिखाई ही नहीं दे रहा। खोजते रहो, कोई ना कोई जानवर जरूर दिखेगा। तभी उन्हें एक झाड़ी के पीछे कुछ पत्ते हिलते दिखाई देते हैं और उनका ध्यान झाड़ियों की तरफ जाता है और उनकी नजर वहां से जाते शेर सिंह पर पड़ती है। वो रहा शेर, चलो। शिकारी शेर सिंह को देखकर उसके पीछे हथियार लेकर दौड़ते हैं। शेर सिंह ये देखकर डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए भागता है। ये शिकारी कहां से आ गए? मुझे जल्दी जंगल के दूसरे जानवरों को बताना होगा। शेर सिंह को भागता देख शिकारी उस पर हमला करने लगते हैं। शेर सिंह का शिकार करना इतना आसान नहीं है इंसानों। निशाना लगाओ, निशाना लगाओ। शेर सिंह उनके वार से बचता हुआ भागता है। ये देख शिकारी शेर सिंह पर फिर से निशाना लगाते हैं और इस बार उनका निशाना बिल्कुल सही लगता है और तीर सीधे शेर सिंह के पैर में लगती है। शेर सिंह जख्मी होकर वहीं गिर जाता है। मैं तो उठ भी नहीं पा रहा, अब क्या करूं? शेर सिंह को जख्मी कर शिकारी उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। शेर सिंह ये देख परेशान हो जाता है। शिकारी उसके करीब और करीब आने लगते हैं। मुझे इनसे किसी भी तरह बचना ही होगा। जंगल की तरफ गया तो पकड़ा जाऊंगा, मुझे दूसरी तरफ भागना होगा, बस यही एक तरीका है इनसे बचने का। शेर सिंह अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से उठता है और किसी तरह लंगड़ाते हुए गांव की तरफ भागता है। शिकारी वहाँ आते हैं और शेर सिंह को गायब देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ओह, वो शेर कहाँ गया? अभी तो यही था। कहीं भी गया हो पर ज्यादा दूर नहीं गया होगा, आखिर वो जख्मी है। हम फिर से वापस आएंगे और उसे पकड़ लेंगे, अभी रात भी होने वाली है, चलो यहाँ से। शिकारी बाग में वापस आने की सोच वहाँ से चले जाते हैं। जख्मी शेर सिंह किसी तरह वहाँ से चलता हुआ उस दयालु किसान की झोपड़ी तक पहुँचता है और वहीं बेहोश हो जाता है। अब मुझसे और चला नहीं जाएगा,
उसी समय किसान बाहर आता है और शेर सिंह को वहाँ गिरा हुआ देखता है। ये तो बहुत जख्मी है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। किसान ने रात दिन शेर सिंह की सेवा की और धीरे धीरे शेर सिंह के सभी घाव भर गए। किसान ये देखकर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी शेर सिंह को विदा किया। वो वापस अपने जंगल चला गया। शेर सिंह को बहुत दिन से जंगल में नहीं देखकर बाकी जानवर भी चिंतित थे और जब उन्होंने शेर सिंह को देखा तो काफी खुश हुए। अरे शेर सिंह, इतने दिनों से कहाँ थे, दिखाई नहीं दिए। क्या बताऊं अप्पू, मेरे पीछे शिकारी पड़े थे, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा। तुम लोग भी सावधान रहना, शिकारी फिर से वापस आ सकते हैं। कुछ दिनों बाद वही शिकारी फिर से जंगल में आए और इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आए थे शेर सिंह को पकड़ने। उन्होंने एक पेड़ के ऊपर अपना पिंजरा टांग दिया और शेर सिंह का इंतजार करने लगे। तभी शेर सिंह घूमता हुआ उसी पेड़ के नीचे गुजर रहा था और जैसे ही वो पिंजरे के नीचे आया, शिकारी ने रस्सी खींच दी और पिंजरा सीधे शेर सिंह के ऊपर गिरा। आखिर इस बार ये शेर पकड़ा ही गया। अब हम इसे चिड़िया घर में बेच के खूब पैसे कमाएंगे। शेर सिंह जोर जोर से दहाड़ने लगा। आह, ये इतना चिल्ला क्यों रहा है? लगता है इसे भूख लगी है। फिर तो हमें इसे कुछ खिलाना चाहिए। अगर ये भूख के मारे कमजोर हो गया तो कोई इसे नहीं खरीदेगा। शिकारी को लगा कि शेर सिंह को भूख लगी है, इसलिए दोनों शेर सिंह को वहाँ छोड़कर गांव की तरफ उसके लिए कुछ खाना लाने चले गए। जंगल में कोई जानवर तो नहीं मिला, क्यों ना हम इस किसान को ही उस शेर का खाना बना दें? आइडिया तो अच्छा है, चलो इसे ही पकड़ के ले चलते हैं। नहीं, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। शिकारियों ने उस किसान की एक न सुनी और उसे लेकर शेर सिंह के पिंजरे में बंद कर दिया। शेर सिंह को सच में भूख लगी थी। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ, मुझे छोड़ दो। किसान ने जैसे ही अपना सर ऊपर किया, शेर सिंह ने उसका चेहरा देखा और उसे पहचान गया। उसे याद आ गया कि किस तरह एक बार उसी किसान ने उसकी जान बचाई थी। शेर सिंह उसके पास जाकर उसके सर पे अपना पंजा फेरने लगा। शिकारी ये देख हैरान हो गए। ये शेर उस इंसान को खा क्यों नहीं रहा? इधर किसान को ये समझ में आ गया कि शिकारी ने शेर सिंह को बंदी बनाया है। उसने शेर सिंह को बचाने की सोची और शेर सिंह के कान में अपनी योजना बताई। शेर सिंह किसान की बात समझ गया और फिर किसान ने कुछ सोच कर शिकारी से कहा, ये मुझे नहीं खा रहा क्योंकि ये मेरा दोस्त है, तुम लोग इसे पिंजरे से निकाल दो, ये अपने आप तुम लोगों के साथ खुशी खुशी जाएगा। तुम लोगों के साथ जाने से इसे अच्छा अच्छा भोजन भी मिलेगा, यहाँ जंगल में तो शिकार खोजने में इसे कितनी दिक्कत होती है। और अगर ये भाग गया तो? इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ये कहीं नहीं भागेगा। हम पिंजरा खोल देते हैं। और जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खुला, शेर सिंह ने शिकारियों पर हमला कर दिया। बचाओ, शेर! इस तरह दयालु किसान ने अपनी सूझबूझ से शिकारियों को बेवकूफ बनाकर एक बार फिर शेर सिंह की जान बचाई। उसके बाद वो शिकारी कभी वापस जंगल में नहीं आए। शेर सिंह और किसान में भी पक्की दोस्ती हो गई। रानी चींटी सभी चींटियों के साथ जंगल में रहती थी। सारी चींटियां रानी चींटी के व्यवहार से बहुत खुश थीं, क्योंकि वो सबके बारे में सोचती थी, इसलिए सब उसकी बात मानते थे। सभी चींटियां मिलकर अपना नया घर बना रही थी। रानी चींटी टीले के ऊपर खड़ी है। सारी चींटियां एक लाइन में हैं और एक दूसरे को मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े पास करती जा रही हैं। दूसरी तरफ चींटियों ने एक लकड़ी और ट्री वाइन की मदद से एक स्लिंग शॉट टाइप का शेप बनाया हुआ है, जिसमें वो एक मिट्टी का क्यूब फंसा कर ऊपर शूट करती हैं। ऊपर कुछ चींटियां उसे कैच करके घर बना रही। ऐसी घर बनाने में तो बहुत समय लगेगा। सही कहा, पर इसी तरह मन लगाकर काम करने से जल्द ही हमारा घर तैयार हो जाएगा, फिर हम उसमें आराम से रह सकेंगे। ये भी तो सोचो। ये बात तो सही है, घर बनने के बाद तो आराम ही आराम है। दोस्तों, काम पर लग जाओ। सबको
ये है अप्पू हाथी, ये भी इसी जंगल में रहता है, जो बहुत शैतान था और सभी जानवर उसकी शैतानी से परेशान थे। हम देखते हैं एक बंदर पेड़ में बैठा हुआ है। हाथी पेड़ के नीचे से गुजर रहा है और अपनी सूंड से पेड़ की डाल को खींच के छोड़ देता है, जिससे बंदर एक दूसरी डाल से टकरा कर नीचे आराम कर रहे एक भेड़िए पर गिरता है। अप्पू उन दोनों पर हंसता है। अप्पू, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, हम यहाँ खेल रहे थे। अप्पू की शैतानियाँ रोज रोज बढ़ती ही जा रही हैं। इसने मुझे भी पेड़ से गिरा दिया। हाँ तो क्या कर लोगे, ये मेरा जंगल है, मैं जो चाहूँ वो करूँगा। ये जंगल जितना तुम्हारा है उतना हमारा भी है अप्पू, याद रखना। लेकिन अप्पू अपने घमंड में चूर था और उसने किसी की बात नहीं सुनी और नहाकर वहाँ से चला गया। इधर चींटियों का घर बन चुका था और वो अब अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी। तभी अप्पू वहाँ आता है। हम देखते हैं सारी चींटियाँ वैसे ही एक दूसरे को खाना पास करती हैं और वो खाना टीले के अंदर डाल रही हैं। इतनी मेहनत, वो भी ऐसा घर बनाने के लिए। अरे तुम्हारा घर तो इतना कमजोर है कि मेरे सूंड के एक वार क्या, एक फूंक से उड़ जाएगा। दिखाऊं। अप्पू ने शैतानी में आकर बेचारी चींटियों का घर तोड़ दिया। रानी चींटी को ये देख बहुत बुरा लगा। हम देखते हैं कि सारी चींटी दुखी हो जाती हैं और जैसे ही उनका घर टूटने लगता है सब फिसल के नीचे गिरने लगती हैं। रुको अप्पू, ऐसा मत करो। इस घर को बनाने में हम सबने बहुत मेहनत की है। ये हमारा एकमात्र ठिकाना है, इसे तोड़ के तुम ठीक नहीं कर रहे हो। छोटी सी चींटी, अब मुझे सिखाओगी? ये मेरा जंगल है, यहाँ मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। अप्पू तुम बहुत घमंडी हो। याद रहे, ये जंगल सिर्फ तुम्हारा नहीं सभी जानवरों का है और हम सबको यहाँ मिलजुल कर रहना चाहिए। क्या पता हमें कब किसकी जरूरत पड़ जाए। हमें एक दूसरे को परेशान करने की जगह एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अपना साइज देखा है और मेरा साइज देखो, आखिर तुम मेरी क्या मदद आओगी। चलो जाओ यहाँ से, बड़े आए मेरी मदद करने वाले। अप्पू हाथी वहाँ से चला गया और फिर एक दिन जंगल में एक शिकारी आया और उसकी नजर अप्पू पर गई। हम देखते हैं अप्पू मदमस्त होकर चला जा रहा है। रास्ते में एक पेड़ से वो खुजली करता है, जिससे पेड़ हिलता है और पेड़ में बना चिड़ियों का घोंसला नीचे गिर जाता है। अप्पू उन्हें देखकर हंसता है। वाह, ये हाथी तो बहुत बड़ा और मजबूत है, इसे बेचकर तो मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ। इसको तो मैं पकड़ के रहूंगा। हो गया काम, अब हाथी के आते ही मैं उसे जाल में फंसा के पकड़ लूंगा। अप्पू देख के नहीं चल सकते? मैं देख के क्यों चलूं? तुम देख के खेलो। बचाओ बचाओ। अब आया ना हाथी जाल के नीचे। अप्पू शिकारी के जाल में फंस चुका था। शिकारी उसे चुपके देख ही रहा था, तभी अप्पू की आवाज सुनकर रानी चींटी वहां आती है और उसकी नजर शिकारी पर पड़ती है। अप्पू को फंसा हुआ देख उसको दया आ गई। रानी चींटी ने अप्पू की मदद करने की सोची। रानी चींटी अप्पू के पास जाती है। अप्पू मेरे दोस्त, तुम घबराओ मत, मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी और तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। और रही इस शिकारी की बात, तो इसको तो हम मजा चखा देंगे। चलो साथियों। अरे बचाओ, कोई बचाओ इन चींटियों से, बचाओ, ये तो मुझ शिकारी का ही शिकार कर रही है, बचाओ। शिकारी के भागते ही रानी चींटी अप्पू के पास आती है। शिकारी तो चला गया, लेकिन मैं इस जाल से बाहर कैसे निकलूंगा? मेरे पास इसका भी उपाय है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। चूहे राजा, मेरे दोस्त, बाहर आओ दोस्त, तुम्हारी मदद चाहिए। क्या हुआ चींटी रानी, इतनी परेशान क्यों हो? वो अप्पू शिकारी की जाल में फंस गया है, जरा जाल काटने में मदद कर दो, बेचारा बहुत परेशान है। ये तो एक दिन होना ही था, ये सब अप्पू की शैतानियों का फल है। हाँ पर है तो वो हमारे ही जंगल का हिस्सा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। सही कहा, चलो। चूहा जल्दी से अपने दोस्तों के साथ अप्पू के पास आता है
और सब मिलकर जल्दी से अप्पू का जाल अपने नुकीले दांतों से काट देते हैं। अप्पू आजाद हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो चींटी रानी, मैंने तुम लोगों का घर तोड़कर बहुत गलत किया। तुमने सही कहा था, हम सबको एक दूसरे की मदद की जरूरत पड़ती है, चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो। आज से मैं तुम सबके साथ मिलजुल कर रहूंगा, बिल्कुल एक सच्चे दोस्त की तरह। और फिर उसके बाद अप्पू ने कभी किसी को परेशान नहीं किया और सबके साथ हंसी खुशी जंगल में रहने लगा। हम देखते हैं कि अप्पू जंगल में बैठा है, सारे छोटे जानवर उसके आसपास खेल रहे हैं और सब एंजॉय कर रहे हैं।